बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। प्री फर्स्ट ईयर 3.1 और 3.2 आप कर चुके हैं और 3.2 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 रहते हैं। क्वेश्चन 1 में सिंपल है कि I3 को A से मल्टीप्लाई करना है और A आपने क्या लेना है, AIJ3×4 तीन रो और चार कॉलम वाला वो क्वेश्चन खुद करना है। और क्वेश्चन 2 में भी इनवर्स फाइंड करना है। अगर सिमिलर मैट्रिक्स आ जाए तो आपने लिख देना है A वर्सेस नॉट पॉसिबल बिकॉज A सिंगुलर, और अगर सिंगल नॉन सिंगुलर होगा तो एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। 2×2 का एडजॉइंट क्या होता है, मेन डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज, वो आपने खुद करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 3.3 और उसका टॉपिक पढ़ेंगे इंतहाई इंपॉर्टेंट माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर इट्स डिटरमिनेंट। एक मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट हो उसके माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालने हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म आएगा और डेफिनेशन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब, एक 3×3 का मैट्रिक्स लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा डिटरमिनेंट ए दिया है 2, 4, 3, 6 क्लास 9th में जो पढ़ा था या भी 3.12 में पढ़ा था। अब हमारा 3.3 से जो आपने 9th क्लास में मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट पढ़े हैं वो 3.1 और 3.2 में यूज़ किए हैं। 3.3 से थोड़ा डिफरेंट आ गया, वहाँ हमने 2×2 के पढ़े थे। आज अभी आएंगे 3×3 जिनका आर्डर क्या हो 3×3 या 4×4 के मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट निकालने का तरीका सीखेंगे। तो 2×2 का तो वेरी सिंपल है, आप निकालो है ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2, 4, 3, 6 तो क्या आता है 2×6 − 3×4 = 12 = 0। 2×2 का बहुत ही सिंपल है। अभी हमने सीखना है 3×3 का डिटरमिनेंट भी सीखना है और उसके माइनर और कोफैक्टर। मैं 3×3 का जनरल डिटरमिनेंट मैट्रिक्स लेता हूँ। पहली रो A1, दूसरी रो A2, तीसरी रो A3। पहला कॉलम 1, दूसरा कॉलम 2, तीसरा कॉलम 3। पहले मैं जनरल मैट्रिक्स से समझाऊंगा, फिर एक एग्जांपल देके। पहले मैं माइनर समझा रहा हूँ, इधर देखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट A11। किसी भी एलिमेंट का देखे ना, 9 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 एंट्रीज हैं, यानी 9 आपके एलिमेंट हैं। तो पहले मैं A11 का माइनर निकालूंगा, A11 का माइनर ऑफ एन एलिमेंट A11। टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। इसमें से आपके डेफिनेशन भी आ सकती हैं और ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। आगे फिर मैट्रिसेस को हमने सॉल्व भी करना है, तो गौर से आपने इस टॉपिक को आज पढ़ना है। माइनर A11 का निकालने का मतलब है A11 जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दें और वो जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को भी छोड़ दें। दोबारा समझने के, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो आपने जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट की, वो एलिमेंट जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ देते हैं और उस कॉलम को छोड़ देते हैं। तो यहां पे तो हम इसके अलावा क्या बच गए, A22, A23, A32 और A33 उसका डिटरमिनेंट निकाल लें, वो आपका उस एंट्री का उस एलिमेंट का माइनर आ जाएगा। तो हमारे पास अगर वो कहते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट A12, तो मेरे बच्चों A12 आप कौन सी रो में आ रहा है, ये है A12 पहली रो में, और कॉलम कौन सा है, आप कॉलम ये वाला आप छोड़ दें, A1 ये पहली रो में आ रहा है
और दूसरे कॉलम में तो बाकी आपके पास जो बच जाएगा ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री। तो माइनर किसी भी एलिमेंट का जब निकालना हो तो वो जो एलिमेंट है जिस रो में आ रहा है उस रो को भी छोड़ दें और वो जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को भी छोड़ दें, बाकी जो बच जाए उनका डिटरमिनेंट ले लें, वो बनेगा टू बाई टू और टू बाई टू का डिटरमिनेंट निकालना आपने सीखा हुआ है। तो अब मैं एक और लिखता हूँ माइनर ऑफ एलिमेंट, लास्ट लिख लेता हूँ ए थ्री थ्री। इसका क्या मतलब है, तीसरी रो छोड़ दें और तीसरा कॉलम, बाकी क्या बनेगी, ये रो मैं छोड़ देता हूँ ये वाली और ये वाला कॉलम, बाकी क्या बच गया मेरे बच्चों ए वन वन ए वन टू ए टू वन और ए टू टू, उसका डिटरमिनेंट ले लें, वो उस एलिमेंट का माइनर आएगा। माइनर किसका निकल सकता है, ए वन वन का, जब ए वन वन का निकालेंगे तो ये ए वन वाली रो ए वन वन वाली और ये कॉलम, जिस एंट्री में जिस रो में ये वाली एंट्री आ रही है वो रो भी छोड़ देंगे और वो कॉलम, बाकी जो बच जाएंगे उनका डिटरमिनेंट। अब अगर ए वन टू का पूछे तो ये आपने रो छोड़ देनी है और ये कॉलम, अगर मैं ये रो छोड़ता हूँ और ये कॉलम, फॉर एग्जाम्पल ये देखें आपके पास ये कॉलम आपने छोड़ दिए, ठीक हो गए, और आपने पहली रो छोड़ दी, अगर ए वन टू का निकालना ये वाली, तो बाकी क्या बच गया आपके पास ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन और ए थ्री थ्री। तो ये आपके पास माइनर निकालने का तरीका है। अगर थ्री क्रॉस थ्री का आपके पास मैट्रिक्स है तो उसमें नौ एंट्रीज होंगी, नौ ही माइनर निकलेंगे। कौन कौन से, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए वन वन, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए वन टू, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और आपको फाइंड करके देता हूँ, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए टू टू, क्या है मेरे बच्चों ए टू टू किस रो में आ रहा है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, बाकी क्या बच गए ए वन वन ए वन थ्री, सेकेंड रो छोड़ दें और सेकेंड कॉलम, तो ए थ्री वन और ए थ्री थ्री। दोबारा देखें माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए टू टू, इसका मतलब सेकेंड रो छोड़ दें, मैंने उसको डिलीट कर दिया और सेकेंड कॉलम वो भी खत्म कर दिया। आप देखें क्या रह गए, आप इजिली समझ आ जाएगा ए वन वन ए वन थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री। तो ये माइनर है, इसको फिर देख लेते हैं ए वन टू ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। अब मैं देखता हूँ एक और माइनर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए थ्री वन, फॉर एग्जाम्पल ए थ्री वन पहले नहीं निकाल, ए थ्री वन निकाल, तो आसान तरीका क्या है, ए थ्री वन जिस रो में आ रहा है उस रो को भी मैं खत्म कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, और ये जिस कॉलम में आ रहा है उसको भी, तो बाकी जो बच जाएंगे ए वन टू ए वन थ्री ए टू टू ए टू थ्री, ये इसका डिटरमिनेंट निकाल लें तो वो आपके पास माइनर आ जाएगा। तो भाई माइनर आसान तरीका है कि किसी भी एंट्री का माइनर निकालना हो तो उस एंट्री, वो एंट्री जिस रो में आ रही है वो रो ख़त्म कर दें और वो एंट्री जिस कॉलम में आ रही है वो कॉलम ख़त्म कर दें, तो बाकी जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उनका डिटरमिनेंट निकाल लें तो वो उसका माइनर आ जाएगा। अब मैं ज़रा एक एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर जो गिवन मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर थ्री बाई थ्री था तो जो माइनर निकालेंगे उसका ऑर्डर मेरे बच्चों क्या आ रहा है, दो रो दो कॉलम इन सब में। तो अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर थ्री बाई थ्री था तो जब माइनर निकालेंगे तो उसका ऑर्डर टू बाई टू होगा। अभी आपको एग्जांपल से डिटेल में समझाते हैं, फॉर एग्जांपल टू थ्री माइनस वन वन टू थ्री टू फोर फाइव, वहां ये नहीं लिखोगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट टू, टू तो यहां भी है यहां भी है, टू कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, तो लिखाएगा माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए वन वन। अच्छा अब माइनर को एग्जांपल में टॉपिक में बताया कि कैसे पहली रो छोड़ दें पहला कॉलम, अब इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, माइनर है तो एम से कर लेते हैं एम वन वन,
A11 का मतलब है कि किसका इस जो एंट्री है ना ये वाली, इस एंट्री को A11 कहते हैं कि पहली रो, A11 का मतलब पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, तो A11 आपके पास आएगा। तो इसका मतलब है कि पहली रो छोड़ दें ये वाली और पहला कॉलम, बाकी जो बच गए हैं उनका डिटरमिनेंट 2, 3, 4, 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 5 − 4 × 3, 2 × 5 = 10 − 12 = −2। बहुत ही आसान टॉपिक है कि 3×3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है वो भी आज हम सीखेंगे। आज हमने सीखना है माइनर किसी एलिमेंट की कैसे निकालना है, कोफैक्टर किसी एलिमेंट की कैसे निकालना है, या 3×3 का 3/3 अगर ऑर्डर हो तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। तो 3.3 में बहुत ही आसान है, इसमें हमने यही सीखना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 3/3। तो एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगी। अभी माइनर ऑफ एन एलिमेंट A12 कौन सी एंट्री होती है, पहली रो और दूसरा कॉलम, इसको जाहिर करेंगे M12 से। कैसे जाहिर करेंगे, माइनर को M से और 12 है तो 12। इसका मतलब क्या है, पहली रो छोड़ दी और दूसरा कॉलम, ये फर्स्ट रो छोड़ दी और सेकंड कॉलम छोड़ दी। देखिए गौर से कि अगर पहली रो को मैं छोड़ देता हूँ दूसरे कॉलम को, क्योंकि 12 का मतलब है पहली रो छोड़ देनी और दूसरा कॉलम, तो बाकी एंट्रीज जो बच गई वो कौन सी हैं, 1, 3, 2, 5, 1 × 5 − 2 × 3, 5 × 5, 2, 3, 6। तो मेरे बच्चों ये आ गया −1। एक और निकालते हैं क्योंकि टोटल 9 माइनर निकले हैं, बाकी आपने खुद निकालने हैं, रफ पे प्रैक्टिस करनी है। मैं एक और निकालता हूँ माइनर ऑफ एन एलिमेंट A33। किसे जाया करेंगे, M33 क्या मतलब है, तीसरी रो छोड़ देते हैं, छोड़ना है कि आप बिल्कुल इसको खत्म ही कर देते हैं, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। अब उधर ये नहीं करना कि पेपर में आप इसको क्या करेंगे, इसको बिल्कुल खत्म कर दें, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 2, 3, 1, 2, तीसरी रो और तीसरा कॉलम आपने छोड़ दिया, तो पीछे जो एलिमेंट बच गए हैं वो है 2, 3, 1, 2। तो ये आ गया 2 × 2 − 1 × 3, 4 − 3 = 1। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आज माइनर वाले टॉपिक में आसान सी बात आपको क्या है, बहुत ही आसान बात है, क्या समझ है, जिस एंट्री का माइनर निकालना हो वो जिस रो में है उस रो को खत्म कर दें, और वो एंट्री जिस कॉलम में है उस कॉलम को खत्म कर देंगे, बाकी जो बच जाएगा उसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो वो आपका क्या आ जाएगा, आपके पास माइनर ऑफ एन एलिमेंट A33, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल M और साथ 33। अगर स्मॉल ये एंट्री को A11 से जाहिर करते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट A11 होगा तो उसको M11 से जाहिर करते हैं। अब आ जाए कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, एक मैट्रिक्स लेते हैं, पहली रो मेरे बच्चों सबके लिए A1 होगी, दूसरी रो सबके लिए A2, तीसरी रो सबके लिए A3, पहला कॉलम सबके लिए 1, दूसरा कॉलम सबके लिए 2 और तीसरा कॉलम सबके लिए 3 होगा। अब एक बार इसमें नोट करें कि माइनर किसी भी एंट्री का, जिस तरह माइनर निकाला है आपको फैक्टर है, माइनर M11 आपके पास क्या है, किसका माइनर है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट A11। तो यहां पे आप देखें हमने माइनर तो हमने फाइंड कर लिया, आपको फैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A1, पहला एलिमेंट जो है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका क्या है, पहले मैं आपको जनरल बता दूं कि माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ, आई मैंने बताया कौन सा J कौन सा, यहाँ I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1,
उसमें फॉर्मूला होता है माइनस वन की पावर आई प्लस जे एम आई जे। व्हाट इज एम आई जे? एम आई जे माइनर है, यानी माइनर निकालना आपको आता है तो कोफैक्टर ऑटोमेटिकली आपने सीख लिया। जो माइनर है उसको किस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं? माइनस वन की पावर आई प्लस जे। क्या मतलब? कि अगर कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए वन वन निकालना होगा तो पहले ए वन वन का माइनर आपको पता हो, वो क्या है? एम वन वन। उसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर इधर आई है तो इधर भी आई, इधर जे है तो प्लस जे, इधर ए वन वन है तो क्या आएगा? माइनस वन की पावर वन प्लस वन, माइनस वन की पावर वन प्लस वन, दोनों को प्लस कर लें और साथ ए वन वन का जो माइनर जो पहले आप सीख चुके हैं वो मल्टीप्लाई कर दें एम वन वन। दोबारा समझ लें, कोफैक्टर किसी एलिमेंट का निकालना होगा तो कोफैक्टर को हम जाहिर कैसे करते हैं? कैपिटल से, यानी ये फॉर्मूला मैं लिखा ना, तो इसको ए आई जे कैपिटल ए आई जे से जाहिर करेंगे। स्मॉल ए आई जे को इंटीग्रली जाहिर करते हैं और कैपिटल ए आई जे माइनस कोफैक्टर के लिए। तो ये क्या फॉर्मूला बनाया था? माइनस वन की पावर आई प्लस जे और साथ एम आई जे, यानी माइनर को किस से मल्टीप्लाई कर लें? माइनस वन की पावर में इधर जो भी है आई प्लस जे, जिस तरह इधर वन वन है तो इसको हम जाहिर किससे करते हैं? शाबाश, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए वन वन इज इक्वल टू कैपिटल ए वन वन। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए वन वन, किसी के कोफैक्टर को किससे जाहिर करते हैं? कैपिटल ए से। अगर वन वन है तो कैपिटल ए वन वन, फॉर्मूला क्या है? माइनस वन की पावर आई प्लस जे, यानी माइनस वन की पावर आई की जगह वन, जे की जगह वन और साथ उसका माइनर एम वन वन। तो माइनर आपको निकालना आता है, माइनस वन की पावर टू एम वन वन का मतलब होता है पहली रो छोड़ दें और पहला कॉलम, तो क्या आएगा आपके पास? ए टू टू, ए टू थ्री और ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, इसका डिटरमिनेंट। माइनर पहले सीख लिया है, एम वन वन का मतलब क्या था कि पहली रो छोड़ें पहला कॉलम, बाकी जो बच जाए उसका डिटरमिनेंट, और उसके साथ अगर और क्या मल्टीप्लाई कर दें? माइनस वन की पावर रो प्लस कॉलम, कि ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, तो वो पहले माइनर था अब क्या बन गया? कोफैक्टर। एक और निकालूंगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए टू थ्री, शाबाश में बच्चों क्या आएगा? कैपिटल ए टू थ्री। कोफैक्टर को किससे जाहिर करते हैं? कैपिटल ए से। अगर दूसरी रो और तीसरी कॉलम की एंट्री है तो ए टू थ्री कैपिटल में, साथ क्या आ जाएगा फॉर्मूले में? माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री के साथ क्या आएगा? माइनर। कौन सा माइनर? माइनर टू थ्री, एम टू थ्री। तो माइनर निकालना आता हो तो कोफैक्टर तो ऑटोमेटिकली आपने सीख लिया, माइनर के साथ एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई कर दें? माइनस वन की पावर में टू प्लस थ्री, तो मेरे बच्चों माइनस वन की पावर फाइव, और एम टू थ्री का मतलब क्या है? टू में दूसरी रो, थ्री में तीसरा कॉलम, दूसरी रो छोड़ देते हैं और तीसरा कॉलम, यानी कि ये दूसरी रो छोड़ दी और तीसरा कॉलम, बाकी मेरे बच्चों क्या बात गया है? ए वन वन, ए वन टू, ए थ्री वन और ए थ्री टू, इसका डिटरमिनेंट। अभी एक मैं एग्जांपल अपनी तरफ से लेके तमाम माइनर पहले निकालूंगा, फिर तमाम कोफैक्टर, फिर आपकी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल हो जाएगी। आज हम इसी टॉपिक को पक्का कर लेते हैं, माइनर को और कोफैक्टर को पूरी एक एग्जांपल के साथ। नौ के नौ में माइनर निकालूंगा, फिर नौ के नौ कोफैक्टर, तो फिर पेपर में जाहिर बात कोई एक पूछेगा तो मैं नौ के नौ निकाल देता हूँ। अगर थ्री प्लस थ्री है तो उसके नौ माइनर होंगे, नौ को फैक्टर। क्या मतलब? एक मैट्रिक्स अपनी तरफ लिख लें, टू थ्री वन वन माइनस वन माइनस टू, टू वन थ्री, जी माइनर सारे लिखते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन वन, यानी पहले रो में और पहले कॉलम में एंट्री आती है, तो माइनर को एम से जाहिर करते हैं एम वन वन, एम वन वन। क्या मतलब? पहले रो छोड़ दें और पहला, ये पहली रो है ये छोड़ दें, पहला कॉलम, बाकी क्या बच गया? माइनस वन माइनस टू वन थ्री। समझ आ गया बच्चों कि किसी एंट्री का माइनर निकालना हो तो उस रो, यानी ए वन का मतलब पहली रो में आया और पहले कॉलम, पहले रो छोड़ दें पहला कॉलम,
माइनस वन माइनस टू वन थ्री, तो ये मेरे बच्चों आ जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाई थ्री, मेन डायमेंट्रीज आपस में टाइम दरमियान माइनस और वन मल्टीप्लाई बाई माइनस टू, तो ये आएगा आपके पास माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस टू माइनस, तो ये माइनस वन। बहुत ही सिंपल है। अब माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन टू, ए वन टू का माइनर मेरे बच्चों क्या आएगा एम वन टू, पहली रो छोड़ेंगे और दूसरा कॉलम, पहली रो छोड़ देते हैं ये और आप कौन सा कॉलम छोड़ेंगे ये खत्म, इसके बाद दूसरा कॉलम, तो मेरे बच्चों आएगा वन माइनस टू टू थ्री, तो क्या आएगा मेरे बच्चों मेन डायमेंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, टू क्रॉस टू का डिटरमिनेंट वन मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस टू, थ्री वन ज थ्री माइनस माइनस प्लस टू टू ज़ार फोर, थ्री प्लस फोर सेवन। आप कौन से निकालेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन थ्री, क्या आएगा मेरे बच्चों एम वन थ्री, पहली रो छोड़ देंगे और तीसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम है, एक तो पहली रो छोड़ेंगे ये पहली रो और तीसरा कॉलम, बाकी जो बच जाएंगे उनका डिटरमिनेंट यानी वन माइनस वन टू वन, तो ये वन मल्टीप्लाई बाई वन दरमियान में माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, वन वन ज़ा वन माइनस माइनस प्लस टू वन ज़ा टू इक्वल टू थ्री। अब निकालेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट ए टू वन, कैसे जाहिर करेंगे एम टू वन से, दूसरी रो छोड़ आप दूसरी रो छोड़ेंगे यानी कि सेकेंड रो ये ख़त्म कर देते हैं और फर्स्ट कॉलम, बाकी मेरे बच्चों बच गए हैं थ्री वन और वन थ्री, उसका क्या निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट, तो ये आएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई बाई वन, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करें सेकेंडरी डायगोनल, अब थ्री थ्री ज़ार नाइन माइनस वन इक्वल टू एट। अब माइनर और निकालते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट ए टू टू, क्या आएगा मेरे बच्चों एम टू टू इज इक्वल टू, क्या आएगा दूसरी रो छोड़ दें और दूसरा कॉलम, दूसरी रो छोड़ें ये दूसरी रो है और ये दूसरा कॉलम, बाकी बात ये टू वन टू थ्री, टू मल्टीप्लाई कैसे होगा टू मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई बाई वन, टू थ्री ज़ार सिक्स माइनस टू इक्वल टू फोर। नेक्स्ट आप क्या निकालेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट ए टू थ्री इज इक्वल टू एम टू थ्री इज इक्वल टू, सेकेंड रो मेरे बच्चों छोड़ दें और थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो छोड़ दें और थर्ड कॉलम, अगर ये रो तो छोड़ देता हूँ ये कॉलम, तो ये बचेगा टू थ्री टू वन, तो ये मेरे बच्चों क्या आएगा टू वन था टू मल्टीप्लाई वन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल आपस में, तो टू माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस फोर। तो मैंने अभी तक माइनर के निकाल लिए एक दो तो, तीन चार पाँच छः फर्स्ट रो के, अब थर्ड रो के निकाल लिए सेकेंड के निकाल, अब आएंगे माइनर ऑफ एलिमेंट ए थ्री वन इज इक्वल टू एम थ्री वन इज इक्वल टू, क्या आएगा बच्चों अब तीसरी रो छोड़ेंगे और पहला कॉलम, ये रो छोड़ दें और थ्री, देखें पहले थ्री है ना, तो थर्ड रो कॉलम कौन सा छोड़ना है फर्स्ट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थ्री वन माइनस वन माइनस टू, तो ये आएगा थ्री मल्टीप्लाई होगा माइनस टू और माइनस वन मल्टीप्लाई होगा माइनस वन, थ्री टू ज़ार सिक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस फाइव। उसके बाद क्या करेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट ए थ्री टू इज इक्वल टू एम थ्री टू, क्या मतलब कौन सी रो मेरे बच्चों छोड़ेंगे थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो छोड़ देते हैं और सेकंड कॉलम, बाकी थ्री टू वन वन माइनस टू टू वन वन माइनस टू, दोबारा देखें तीसरी रो छोड़ दें तो तीसरी रो को मैं छोड़ देता हूँ पक्का पक्का, और कौन सा छोड़ना है दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, बाकी देखें आप नजर आ रहे हैं कौन से बच गए टू वन वन और माइनस टू, तो ये क्या आएगा
2 multiplied by minus 2 minus 1 multiplied by 1 to 2 the minus 4 minus 1 equal to minus 5. अब आखिरी माइनर आगे माइनर ऑफ एलिमेंट ए 33 इज इक्वल टू एम 33. अब क्या करना है, कौन सी रो छोड़ेंगे, तीसरी रो और तीसरा कॉलम. तो तीसरी रो तो पहले ही मैंने पक्की पक्की छोड़ दी, अब तीसरा कॉलम भी पक्का पक्का छोड़ देते हैं. तो बाकी क्या बच गया, जो आपका रिक्वायर्ड है 2 क्रॉस 2 का 2 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1. भाई आपने पेपर में भी पक्का पक्का नहीं छोड़ देना, पता चले पक्का पक्का छोड़ दिया रिजल्ट आए तो रिजल्ट में भी नंबर वन हो, तो पक्का पक्का नहीं छोड़ना, फिलहाल इधर छोड़ सकते हैं. तो ये क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 2 माइनस 2 1 दर 2 1 3 1 दर 3 तो माइनस 5. तो मेरे ख्याल में माइनर मैंने 9 के 9 निकाल लिए हैं. अब ऑब्जेक्टिव में कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो माइनर निकाल लेंगे, या शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी कोई आए तो आप मेरे ख्याल में माइनर फाइंड कर लेंगे. अब आ जाए कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए 11, कोफैक्टर ऑफ ए 11, कोफैक्टर को किस तरह करते हैं, कैपिटल ए 11, बाकी तो माइनर ही निकालना है ना, वो निकाले मैं सिर्फ एक्स्ट्रा काम क्या करना है, ए 11 का मतलब माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 और साथ अगर ए 11 का कोफैक्टर निकालना है तो उसको कैपिटल ए 11 से डिवाइड करेंगे और माइनस 1 की पावर में दोनों को लिख लेंगे और साथ उसका माइनर ए 11 का माइनर क्या होता है एम 11 जो कि आप निकालोगे माइनस 1 की पावर 2 और एम 11 कितना निकालोगे मेरे बच्चों माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इनटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1. तो अगर आपने माइनर निकाल लिए तो कोफैक्टर तो इंतहाई आसान हो गए. अब कोफैक्टर ऑफ ए 12 क्या है मेरे बच्चों, किस तरह करेंगे, कैपिटल ए 12 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 जिसका आप जिस एंट्री का माइनर कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसको माइनस 1 की पावर में रो पहली है दूसरा कॉलम माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 और साथ उसका ए 12 का माइनर एम 12 और माइनर आपने ये बनेगा माइनस 1 की पावर 3 और एम 12 कितना निकाला हुआ है ये एम 12 इसका आंसर है जी 7. तो ये आ गया माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू 7. अच्छा माइनस 1 की पावर अगर इवन हो तो आंसर प्लस 1 आएगा और अगर माइनस 1 की पावर ऑड हो तो आंसर माइनस 1 आएगा. वजह माइनस 1 स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 और माइनस 1 क्यूब का मतलब होता है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1. यहाँ माइनस 1 कितने होते हैं दो दफा माइनस और माइनस प्लस तो आंसर प्लस 1 माइनस और माइनस प्लस और माइनस माइनस 1 1 दर 1 और 1 1 दर 1. तो इसका मतलब है माइनस 1 की पावर इवन हो तो आंसर प्लस 1 माइनस 1 की पावर ऑड हो तो आंसर माइनस 1. कोफैक्टर नेक्स्ट कौन सा है, कोफैक्टर ए 13 क्या है मेरे बच्चों, कैपिटल ए 13 और मैंने क्या बताया किसी का भी कोफैक्टर निकालना तो माइनस 1 की पावर उसको रो और कॉलम में माइनस 1 की पावर लिखेंगे और साथ क्या आएगा एम 13 उसका माइनस तो ये माइनस 1 की पावर 4 एम 13 कहाँ निकाला हुआ जी आपने ये एम 13 इसका एम 13 का आंसर आ गया 3 ये माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 तो ये 13 आ गए. कुछ इधर निकाल लेते हैं आपके पास माइनर ऑफ एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है जी ए 21 क्या है मेरे बच्चों कैपिटल ए 21 माइनर को माइनर को एम 21 से कोफैक्टर को कैपिटल ए 21 से तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 और साथ क्या आएगा एम 21 जिस एंट्री का आपने कोफैक्टर निकालना हो उसको माइनस 1 की पावर में उसकी रो और कॉलम 2 प्लस 1 और साथ उसका माइनर उसी एंट्री का माइनर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 की पावर 3 और एम 21 मेरे बच्चों कितना आया भाई ये एम 21 8 तो ये माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू माइनस 8. एक और मैं निकाल देता हूँ आखिरी माइनर ऑफ एलिमेंट
A33 is equal to capital A33 माइनस वन की पावर में मेरे बच्चों देखेंगे 3 + 3 और साथ उसका माइनर M33 यानी -1 की पावर 6 और M33 आपने एंड भी निकाला था। M33 आपके पास कितना है मेरे बच्चों, ये M33 -5 तो -1 की पावर 6 + 1 × -5 -5। तो आज आपने इंतहाई इंपॉर्टेंट काम सीखा है कि किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं और किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर। तो माइनर निकालने के लिए डेफिनेशन क्या है कि जिस फॉर एग्जांपल माइनर ऑफ A11 इज डिनोटेड बाय M11 ऑब्टेंड बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड द डिटरमिनेंट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। तो क्या मतलब है कि किसी भी, अब इन जनरल क्या होगा फार्मूला, माइनर ऑफ एलिमेंट aij, हमें तो नहीं पता कौन सा हो सकता, तो इन जनरल ij लिखते हैं, इज इक्वल टू mij। इधर डिटरमिनेंट किसका आएगा, ith रो और jth कॉलम को खत्म करके बाकी जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट, और सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ aij इज इक्वल टू -1 की पावर i + j और साथ माइनर mij, इसके साथ माइनर मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन -1 की पावर i + j। अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं जिसके आपने 9 के 9 माइनर और 9 के 9 को फैक्टर निकाल के प्रैक्टिस करनी है। तो कल इस एक्सरसाइज का बाकायदा हम आगाज करेंगे, लेकिन अगर ये आपको अच्छी तरह तैयार हो गए तो एक्सरसाइज इंतहाई आसान हो जाएगी। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके 9 के 9 आपने माइनर और 9 के 9 को फैक्टर, यानी ए आपके पास है 2 - 2 = 3 - 4 - 3 - 7, इसमें आपने 9 के 9 माइनर और 9 के 9 को फैक्टर निकालने, तो और उसके बाद आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। इसके एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं, कुछ एक्सरसाइज के अंदर भी दिए हैं, मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी जो डेफिनेशन है 101 पे, इसमें माइनर एलिमेंट की और 102 पे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, ये दो होगी। उसके बाद आ जाए एग्जांपल टू में उसने कहा है फाइंड माइनर M12 M22 एंड M32 को फैक्टर निकालना है, A12 A22 और A32, और A का डिटरमिनेंट भी निकालना है, लेकिन आपने सिर्फ उसमें से एग्जांपल टू में से क्या निकालना है, A